हेलो एवरीवन, मैं अनीता आप सभी का वेलकम करती हूँ। अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि किसी चीज में मतलब कॉस्ट प्राइस है उसको मतलब सेलिंग प्राइस, इसमें जो डिफरेंस है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो अपने पास प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अगर कम होगी तो अपने को क्या होगा, लॉस होगा। उसी बेस पर अपना आज का चैप्टर है। इसमें क्या है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में कि जो ये सीपी दिया हुआ है और जो एसपी दिया हुआ है, उन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है। इसके अंदर में रेशियो पे दिया हुआ है 20 और 21 रेशियो है। तो इसमें क्या है कि ये सीपी रेशियो है एसपी का कितना है, 20 21। इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है। इसमें क्या है, जिस जिस क्वेश्चन में अगर किसी में हो कि एसपी ज़्यादा दिया हो किससे, सीपी से, तो उसमें तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर अपना एसपी कम होगा सीपी से तो अपने को क्या होगा, लॉस होगा। सारा खेल किसका है, इसमें सीपी का है। किसका खेल है, सारा सीपी का खेल है। अगर कोई भी राशि मतलब वापिस रिटर्न हो रही है अपने को, तो अगर वो सीपी से कम है तो लॉस, सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। इसमें क्या अपने पास रेशियो दिया, इसको अगर अपने अमाउंट मान ले कि 20 का है, वो 21 में है, तो कितने का, कितना ज़्यादा है इसमें, एक किस पे ज़्यादा है, किस पे, सीपी पे खेला सारा सब। तो सीपी का क्या करेंगे, 20 है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज निकालने हैं तो उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे अपने, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसके अंदर कितना हो गया अपना, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 5%। तो अपने को इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को अगर अपने डिनोट करें पॉजिटिव साइन से, तो लॉस को किसे डिनोट करेंगे, अपने नेगेटिव साइन से। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये होता कि सीपी तो अपना होता 20 और अगर अपना एसपी होता 19, कितना होता, 19, तो इसमें क्या हो रहा है कि सीपी अपना एसपी से ज़्यादा है, एसपी क्या अपना कम है, कितना कम है, एक कम है, किस पे, 20 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से, तो इसमें भी क्या आ रहा है, 5%, लेकिन इसमें क्या है, 5% लॉस है, क्या है, लॉस है। और इसमें क्या हो रहा है अपने पास, प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिछले क्वेश्चन में तो अमाउंट दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था इसके अंदर कि सीपी और एसपी के, इसके अंदर क्वांटिटी दी हुई है कि कोई भी, इसमें क्या कि 36 है तो क्वांटिटी है सीपी की, और इसमें किसके इक्वल है वो, 30 के जो अपनी क्वांटिटी है उनके इक्वल है। इसमें क्या दे रखा है कि सीपी कोई भी अपने वस्तु ली, वो 36 ली, उसको अपने को किसी को बेच दिया, 30 बेची है, लेकिन 6 अभी भी अपने पास में क्या, स्टॉक के अंदर है। 36 ली अपनों ने, अगर 30 बेच दी तो अपने पास स्टॉक में कितनी अभी तक अवेलेबल है, 6 है, तो 6 अपना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 6 क्या हो गया अपना, प्रॉफिट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे अपने, जो एसपी अपना क्रॉस प्रोडक्ट लगा के इसमें एसपी इधर ले आएंगे, तो 36 है, इसको क्रॉस करेंगे इधर, तो अपने पास सीपी क्या, सीपी अपॉन एसपी है इक्वल में क्या हो गया, 30 अपॉन 36। अब अपना एसपी तो कितना हो गया, सीपी तो 30 और एसपी हो गया अपने पास 36। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, किस क्वान्टिटी में, किस पे हो रहा था, 30 पे, 30 बेच दी, लेकिन अपने पास अभी भी स्टॉक में कितनी है, 6 पेंडिंग अपने पास, तो किस पे हो रहा है प्रॉफिट, 30 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका कितना हो गया, 20%, कितना हो गया, 20%। इसमें क्या होगा, 20% अपने को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट किससे मिला, 20%, जो अपने पास जो 6 वस्तुएं अपने स्टॉक में पेंडिंग थी अपने पास थी, उसी पे कितना हो गया, 20% हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पहले तो सिर्फ ये था कि सीपी पे लिया हुआ वस्तु है और एसपी पे अपना ने बेच दी, उसको इतना काम था उस पर। इसमें क्या हो गया, अभी क्वेश्चन है तो अपनी सीपी है, अगर सीपी ना दी हुई हो तो अपने क्या करेंगे, उसको 100 ले लेंगे, तो 100 में प्लस करना माइनस करना ईजी होता है, और परसेंटेज भी 100 पे निकालते हैं अपने, ईजी है। जो अपना एसपी है, इसमें क्या कहा कि अगर उसे 15% अधिक पे बेचा होता, 15% मतलब एसपी अपना कितना होता, 115 होता, जो फर्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग कितना होता,
115 होता। लेकिन इसने क्या कहा, इस 27 रुपीज अपने अधिक होते, क्यों होते, अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 27 रुपये अधिक मतलब मिलते। तो इसमें क्या कहा इसने कि एसपी तो अपना 100 ही होगा, इसका अगर प्रॉफिट लेना अपने को 20% तो कितना हो जाएगा 120। लेकिन अपने पास क्या है कि यहाँ पे 27 रुपये अधिक बता रहा है ये, लेकिन अपने पास तो कितने हुए हैं, 5 ही तो हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 27, 5 की 27 है, अपने को 100 की निकालनी है, क्योंकि नसीबी क्या था 100 था, तो 100 की कितनी हो जाएगी वाली 550। कैसे हुआ देखिए आप, 5 के इक्वल में क्या था 27 था, 1 के इक्वल में क्या होगा 27.5। अब 100 के लिए निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे अपन, ओके, तो इसका हो गया 540। ऑप्शन अपना क्या सी, ऑप्शन है क्या अपने पास सी, कि अपने को इन्होंने क्या पूछा, सीपी पूछा कि सीपी अपना होता 540, तो अगर उसे 150 पे प्रॉफिट पे बेचते, अगर उसे उसके बजाय 120 पे जो बेचते तो अपने पास 27 रुपये एक्स्ट्रा अपने को मिलते। यही था ये इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट के अंदर क्या है कि जरूरी नहीं है कि अपनों ने एसपी लिया प्रॉफिट कमाया और बेच दिया, जरूरी नहीं है कि कोई भी बार्गेनिंग भी करता है कोई कि मुझे इतने परसेंट डिस्काउंट चाहिए या फिर इतने परसेंट डिस्काउंट दोगे तो अपने परचेज करेंगे इस चीज़ को, तो ये कंडीशन ये भी होती है। कौन सी होती है कि पहले तो होती है सीपी, सीपी होती है, इस पर अपने को प्रॉफिट कुछ भी अपना प्रॉफिट लेके मार्जिन कर लेते हैं, तो मार्जिन प्राइस होगी, तो कोई भी कस्टमर आएगा वो क्या करेगा इस मार्जिन प्राइस पे क्या करेगा, डिस्काउंट लेगा वो, तो अपनी जो मार्जिन डिस्काउंट है वो सीपी पे ना दे के अपनी जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट देंगे अपने, क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देने के बाद में उसे बेच देंगे, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो क्या है अपने डिस्काउंट इस पर दे रहे हैं, लेकिन अपने डिस्काउंट किस पर दे रहे हैं कि मार्क प्राइस पे दे रहे हैं, और अपने जो भी प्रॉफिट वगैरह देखेंगे वो सीपी से देखेंगे, अपने पास किसे देखेंगे सीपी से। मान लो कि कोई बस पेन, मान लो ये पर पेन है, अगर इसको आपने परचेज किया ये अपना क्या हो गया सीपी हो गया, क्या हो गया अपने पास सीपी, 20 रुपये में लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पर मार्क करूँ मैं 20 रुपीज करूँ, इसे एक्स्ट्रा इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड करके इसमें मैंने मार्क प्राइस लगा दिया। मान लो कि अगर मैंने मार्क प्राइस यहाँ पे 30 कर दिया, 20 में लिया था मार्क प्राइस कर दिया 30, अगर कोई बार्गेनिंग भी करेगा तो 5 रुपये से ज़्यादा तो करेगा नहीं, अगर बार्गेनिंग करने पर अगर उसे 5 रुपये का डिस्काउंट भी देंगे तो भी इसे कितने में एसपी कर बेचेंगे अपने 25 में, अपने पास तो फिर भी क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो इसमें कंडीशन क्या होगी सीपी फिर एनपी फिर डिस्काउंट देंगे उसके बाद में अपना एसपी आ जाएगा। उसी पे क्या दिया हुआ कि अगर एक शर्ट की कीमत अपने पास क्या है 64 रुपये है, कब है जब उसे 20% की छूट दी, 100 पे ना लेके उसे 80% पे लिया गया, मतलब 80 की वैल्यू क्या होगी 64 होगी, क्या होगी 64 होगी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है जो 64 की वैल्यू है वो कितने की है 20% डिस्काउंट के बाद में है, या ना यहाँ पे 20% डिस्काउंट के बाद में वो शर्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 64, मतलब कि 80% की वैल्यू है 60 रुपये, 64, 80% की कितनी है 64। अपने को कौन सी निकालनी जो ओरिजिनल प्राइस थी अपने, ओरिजिनल तो 100% ही थी, तो 100% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये थी 80 की वैल्यू थी 64, अपने को 100 की निकालनी है, तो 100 की निकालने से कितनी आएगी है 0 से 0 8 8 64, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 80 में, ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी थी 80 थी, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 80 थी, लेकिन उसे 20% डिस्काउंट के बाद में उसने शर्ट कितने मिली थी 64 रुपीज़ के अंदर ली थी, कितनी मिली थी 64 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन अपने पास है जो अंकित मूल्य है कौन सा होता है अपने मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस, जो उन्होंने अपनी प्रॉफिट वगैरह अपनी जितने भी जो अमाउंट लगा था वो सारा इंक्लूड करके जो अपने मार्क प्राइस की थी उस पर अपने को क्या है 10% की छूट देनी है, 10% की क्या करनी है छूट देनी है, और अपने पास जो सीपी है अपना सीपी पे अपने को 17% का प्रॉफिट भी लेना है, डिस्काउंट भी देना प्रॉफिट भी लेना है अपने को, तो अपना जो प्रॉफिट है वो कितना होगा,
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अपना जो सीपी था उसको क्या लेंगे, अपने 100 ही लेंगे। कितना लेंगे, 100 लेंगे। यहाँ पे अपनी मार्क प्राइस है, अपने को पता नहीं फिलहाल कि कितनी मार्क प्राइस है इसमें, ठीक है। और अपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो माइनस डिनोट कर दिया मैंने, ओके। लेकिन अपना जो एसपी है वो कितना है, 17%, मतलब 117 है प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे 100 में ऐड हो जाएगा 17, तो कितना, 117। लेकिन जो ये एसपी अपना वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, मार्क प्राइस के जो डिस्काउंट दिया है 10%, मतलब जो अपना मार्क प्राइस है उसका 90% है ना, तो किसके इक्वल है, 117 के, किसके इक्वल है, 117 के। अगर यहाँ से अपने इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मार्क प्राइस आ गया अपना 130। कितना आ गया, मार्क प्राइस 130। अपना मार्क प्राइस क्या था, 130 था, 100 में लिया था, 130 अपने मार्क प्राइस कर दिया, और 10% का अपने डिस्काउंट देने के बाद में अपना जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया अपने को, 117, जो 100 से कितना ज़्यादा था, 17, ओके। तो इसमें इसने क्या कहा कि अगर इसे अपने जो अपना मार्क प्राइस है इसी पर बेच दे तो अपने को कितना प्रॉफिट होगा। अब डिस्काउंट नहीं देना अपने को, सिर्फ जो मार्क प्राइस है अपना 130, अगर इसी पर इसको बेच दे अपने, अब क्या होगा, जो मार्क प्राइस है ना इसको अपने एसपी ले लेंगे, क्योंकि इसी पर बेच रहे अपने, किसी को डिस्काउंट नहीं देना। तो सीपी तो यहाँ पे अपना 100 है, और जो अपना मार्क प्राइस है जिसको बोल रहे अपने एसपी, उन्होंने इक्वल बोल दिया इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, 130। कितना हो गया, 130, कितना ज्यादा है यहाँ से, 30, तो 30% हो गया। 30% डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एससीपी था तो मैंने 100 लिया। अगर यहाँ पे क्वांटिटी कुछ अलग होती, 200 होता, 500 होता, तो क्या करते अपने जितना प्रॉफिट है वो लिखते ऊपर, और फिर डिवाइड करते, किससे डिवाइड करते, सीपी से डिवाइड करके, ऊपर तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते। तो क्या करते, अपना प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलता है, अपना प्रॉफिट परसेंट, ओके। अगर लॉस होता तो लॉस हो जाता, और यहाँ पे 100 जो भी, अगर लॉस प्रॉफिट वो काउंट होगा अपना सीपी से, किसी होगा सीपी से, जो अपनी पॉकेट से गया था अपने, अगर उससे ज्यादा अपने पैसे वापस ले लिए तो प्रॉफिट, अगर कम मिले तो लॉस। तो सारा सिस्टम किस पे होगा अपना, खेल है सीपी का है, ओके। थैंक यू।